हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं मेरी जो एडजस्टमेंट हुई, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तो आज मेरा जो ये ब्लॉग है ये रहने वाला है, क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट इधर हुई है। तो ये रूम जो है ये काफ़ी ख़राब है, इसकी जो हालत है काफ़ी ख़राब है। तो मैं आया हूँ इधर, तो अभी ये रूम जो 1 साल 2 साल से बंद ही पड़ा था, जहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा साफ़ सफाई की है। अभी अभी मैंने अपना बिस्तर जो है लगाना है दोस्तों, तो जो कि किचन की सफाई मैंने करनी है अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी इधर खाने पीने का कोई सोर्स नहीं है, तो मैं मैगी बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हे फ्रेंड्स, तो मेरी नई जगह सेटलमेंट हो चुकी है। तो अभी मैं जस्ट पहुँचा हूँ इधर, थोड़ी साफ सफाई की है मैंने। ये देखिए आप, इधर इंटीरियर, ये मेरा बेड है, मेरा ट्रंक है, ये मेरा लगेज, ये वाला लगेज मेरा। तो अभी मैं खोलूँगा अपने सारे सामान को, तो इधर सेट करूंगा। नीचे मैटिंग लगी हुई है, जो भी है दोस्तों, तो यही है अब। तो बहुत अच्छा इंटीरियर है, नीदर गुड नॉर बैड। तो चलिए अब हम आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो आपको दिखाएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना जो कि रूम में बिस्तर लगा लिया है, तो काफ़ी अब मैं थोड़ा सा काम जो है, मेरी किचन जो मेस्ड अप पड़ी हुई ऐसे गंदी, तो उसे मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, पर साफ़ करके मैं दिखाऊंगा। मुझे भूख भी काफ़ी लगी है, तो फिलहाल तो अभी हम मैं बनाऊंगा मैगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरी किचन है इधर। तो ये रूम जो है, ये काफ़ी सालों से इधर ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी तो मैं इसको अभी साफ सफाई करूंगा, इसकी सेट करूंगा बिल्कुल। तो चलिए मैं, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है, लेआउट मैंने कर दिया है अपना। अब बस मैंने अपनी जो मेरी जो किचन है, मैं आपको दिखा दूं, इसकी भी थोड़ी बहुत मरम्मत मैंने कर दी है। अब इसकी ये देखिए, इसका सेटलमेंट मैंने कर दी है, तो काफ़ी शानदार रहने वाला, अब जो मज़ा आने वाला है इधर। और 2 मिनट के बाद मैं अभी जाऊँगा बाहर, तो बनाएंगे हम मैगी। तो मैगी हम खाएँगे, तो फिर देखते हैं इधर और कितना मज़ा आता है। मैं अभी आपको बाहर लेके जाऊँगा कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो लेट्स गो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हे फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन में, क्योंकि मैगी बनाना इधर कोई सोर्स नहीं है अभी। तो अभी मैं मैगी नहीं बना सकता, मैं जा रहा हूँ कैंटीन में, आपको दिखाता हूँ बाहर का आउटडोर का सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, जो वातावरण है वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो लेट्स गो दोस्तों। फाइनली दोस्तों, मैं आपके रूम में पहुंच चुका हूं और अंधेरा हो चुका है, तो मैं आपको बाहर घुमाने नहीं ले जा सका, तो सॉरी उसके लिए। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे अपना दूध गर्म करने, और मैंने एक हीटर लाया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह का हीटर मैंने लाया है, जो कॉयल वाला हीटर है, जो बड़ा वाला हीटर है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे और दिखाते हैं आपको रात का और हमारी किचन का प्रोग्राम क्या है आज का। तो लेट्स गो। हे फ्रेंड्स, मेरा जो कि दूध गर्म हो चुका है, अभी मैं फिलहाल इसे पीऊँगा और मुझे उसके बाद सोना है बहुत जल्द, क्योंकि मुझे सुबह ड्यूटी जाना है, तो जल्दी से अर्ली शॉप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दूध पी के मैं सो जाऊँगा। तो ऐसे ही कल मैं एक नया ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, और पूरा मैं आपको अपना जो सिस्टम है एक अच्छा ब्लॉग बना के दूंगा, जिसके लिए मैं मशहूर हूँ कि जो मैं अपने डेली रूटीन के ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज का ये मेरा ब्लॉग था, मैंने दिखाया कि मेरे को काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल आए इधर उधर सामान को इकट्ठा करने में, और कितना मेरे को मतलब अकेले सामान सारा इकट्ठा करना पड़ा अपने रूम में लाने के लिए, जैसे मेरा ट्रंक था और वगैरह वगैरह मेरा सामान था। तो तभी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत।
तो हेयर वी गो दोस्तों, ये देखिए मैंने एक कोई ओल्ड मॉडल का यहाँ पे हीटर लगा था तो मैंने इसको उतार दिया है। फिलहाल ये हीटर मैंने लाया है स्विच ऑन वाला, मुझे इतना कोई खास इसका पता नहीं है। तो फिलहाल मेरा पानी इधर पड़ा हुआ है, तो मैंने थोड़ी अपनी किचन जो है उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की है। ये देखिए बहुत बिंदास लग रही है, एकदम बल्ब इधर लगा हुआ है। तो दूध चढ़ाया, अभी मैं दूध पीऊँगा, साथ में इस हीटर के लिए इधर कोई एक सॉकेट लगानी पड़ेगी मुझे। ये देखिए इसका ये जो शू है काफ़ी मोटा है और इसको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बिजली की आवश्यकता है। मैं ये लगाऊंगा ही नहीं, सिर्फ रखूँगा कोई इमरजेंसी के लिए, अगर खाना पड़ा तो बनाने के लिए कुछ मैगी शैगी। तो फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो चुका है। ये देखिए मेरा दूध गर्म हो रहा है फिलहाल। तो चलिए हम अभी अपना दूध गर्म पियेंगे, उसके बाद ये देखिए इस हीटर की सेटिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,